सो एवरीबॉडी, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट वेयर हाउसेस लॉजिस्टिक्स कंपनी जॉब्स इन कोलकाता। देखो दोस्तों, ये ऑलमोस्ट अभी जो वीडियो अपलोड हो रहा है आफ्टर देन आपको 10 दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट में रिक्वायरमेंट बंद थे लेकिन अभी जो चालू हो गया। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना ताकि इन्फॉर्मेशंस, देखो जॉब्स की इन्फॉर्मेशंस है भाई साहब, ये कुछ ऐसा इंफॉर्मेशंस नहीं है जिसे आप स्किप कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। यहां पर जॉब्स का इंफॉर्मेशंस है, हर एक पार्ट को समझना आपकी एक जिम्मेदारी है। आफ्टर देन आप विजिट कर सकते हो, लेकिन पहले इंफॉर्मेशंस समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। रिसेंटली में हम जो भी जॉब्स का पोस्ट अपडेट करते हैं तो वैकेंसीज अपडेट करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन समझो, डायरेक्टली कॉल करो। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, इंफॉर्मेशंस आपको पूरा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर जो कंपनी है फ्लिपकार्ट वेयर हाउसेस पैकिंग जॉब्स होने वाला है, जिसमें आपका पोजीशन पैकिंग, पिकिंग, सॉर्टिंग, स्कैनिंग, रैकिंग, मूविंग, ट्रेसिंग, एवरीथिंग, वेयर हाउसेस में जो काम होता है वो एवरीथिंग इसमें पोजीशंस देखने को मिल जाएगा। और बार बार मैं एक ही चीज़ नहीं बोलूँगा कि पैकिंग पिकिंग काम है, पैकिंग पिकिंग काम है। देखो गाइस, वेयर हाउसेस में जो काम होते हैं उससे रिलेटेड आपको सब काम करने पड़ेंगे। जैसे लाइक पैकिंग पिकिंग है तो पैकिंग पिकिंग भी करना पड़ेगा, लोडिंग अनलोडिंग कभी कभी होते हैं। तो ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि जाके लोडिंग अनलोडिंग करना है, नहीं, कभी कभी होते हैं तो हाथ बटाना पड़ेगा उसमें। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपली एक ही वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पैकिंग पिकिंग का जॉब्स होने वाला है, और यहाँ पर मैं बता दूँ जो सैलरीज आपको मिलेंगे वो भी डिस्कशन करेंगे। ड्यूटी जो होने वाला है 9 आवर्स की ड्यूटी होने वाली है, 9 आवर्स की शिफ्टिंग है, और वीकली वन डे ऑफ है, मतलब साप्ताहिक आपको एक छुट्टी भी देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पर मैं बता दूँ क्वालिफिकेशंस, मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपका 10th पास है। अगर आप 10th पास है आप एलिजिबल है इस जॉब के लिए। देखो फ्लिपकार्ट कंपनी नीडेड ओनली फॉर 10th पास कैंडिडेट, बिलो 10th पास कैंडिडेट नॉट अलाउड दिस कंपनी। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या होता है, 8th पास कैंडिडेट वाले जाते हैं और स्कैनिंग करने के लिए बेताब रहते हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम्स आई थिंक होता है। तो यहाँ पर 10th पास वाले कैंडिडेट थोड़ा अच्छे होते हैं, होशियार होते हैं, थोड़ा ऑनेस्टली होते हैं, तो हो जाता है 10th पास मैंडेटरी इन दिस पोस्ट। यहाँ पर मैं बता दूँ एज का लिमिटेशंस, मिनिमम एज रिक्वायर्ड दिस कंपनी 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स। यहाँ पर एज का क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। बेसिकली जब आपका एज का क्राइटेरिया कंप्लीटेड रहेगा एंड आपका क्वालिफिकेशंस रहेगा तो आप इस जॉब को कर सकते, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले। देन मैं बता दूं रूम एडजस्टेड बाय कंपनी है। देखो रूम भी एडजस्ट पहले नहीं करवाती थी, लेकिन अब इसलिए करवा रही कि लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहा है अनदर स्टेट से जाके वहाँ पर काम करने में। तो यहाँ पर रूम एडजस्टेड बाय कंपनी, जिसका 500 से 600 रुपये लगेंगे एक महीने के, जो एक शेयरिंग रूम रहेगा और यहां पर 3 से 4 लोग एक रूम में रहेंगे। देन बात कर लेते फूडिंग की, तो फूडिंग आपको ऑन है, खुद से मेक करो या फिर किसी होटल से कांटेक्ट करके खा सकते हो। यहाँ पर मैं बात करता हूँ सैलरीज की, तो 11,000 to 12,000 rupees मंथली बेसिस है, जो एक इंक्रीजेबल सैलरी है, नॉट ए फिक्सेबल सैलरी इन दिस कंपनी। देखो फ्लिपकार्ट कंपनी एक ब्रांड कंपनी है, और ये फ्लिपकार्ट कंपनी अपने जो वर्कर्स है उसको टाइमली टू टाइमली प्रमोट करते हैं, अगर अच्छा उनका व्यवहार रहा, अच्छा वर्किंग पोजिशंस रहा तो। सो आई थिंक ये जॉब्स बहुत ही अच्छा है, आप एक बार विजिट करके देख सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर शो रहा है, उसी पे कॉल करके बात करना है। देन वेबसाइट दिख रहा है, इस पे भी जॉब्स के इंफॉर्मेशन पर डे बेसिस आते हैं, www.bluemayacareer.in, इस पे भी विजिट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी, क्योंकि एक बार विजिट करके जरूर देख लेना, इस पे जॉब्स अपडेट होते रहते हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर हमारा इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।